प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कथित तौर पर लिखा गया पत्र सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहा है। पत्र में गोगोई और उनकी बेंच को बधाई देते हुए लिखा गया है कि उनके द्वारा दिए गए फैसले के लिए हिंदू हमेशा उनका शुक्रगुजार है और यह यादगार फैसला हिंदू राष्ट्र के लिए एक नया इतिहास बनाएगा। लेकिन क्या है इस पत्र की सच्चाई? पत्र को एक बार पढ़ने पर इसके आधिकारिक पत्राचार होने की बात समझ से बाहर लगती है, मसलन अंग्रेजी भाषा और उसमें वर्तनी की गलतियां, जैसे कि कमेंडेबल की जगह कंपेंडेबल। अगर ऐसा कोई भी पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा होता तो उसकी चर्चा समाचारों में भी होती, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। आगे पत्र की तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला, जिसे सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया था। ट्वीट में दिख रहे पत्र की कॉपी की तुलना जब हमने वायरल हो रहे पत्र से की तो पत्र के बैकग्राउंड और फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारी असमानताएं देखने को मिली। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने भी इन दावों का खंडन किया है। धन्यवाद।